हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज इस वीडियो में देखेंगे कल की इंट्राडे स्टॉक्स और जानेंगे मार्केट कैसे ट्रेड कर सकता है। सो एज अ ट्रेडर, इफ यू डोंट वांट टू मिस एनी अपडेट्स, देन मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड। एंड इफ यू डोंट वांट टू मिस एनी मार्केट अपडेट्स, देन मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू अवर चैनल। सो विद दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आज के अपडेट से, तो आज निफ्टी और सेंसेक्स में हमें एक ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। और क्योंकि बैंक निफ्टी 35,000 के जस्ट ऊपर है, तो कल भी इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इवन यूएस मार्केट में हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें इंडिया विक्स के लेवल पे आज ऑलमोस्ट 8% का एक अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इनकेस अगर हम देखते हैं फ्यूचर लेवल्स को, तो यहाँ पे निफ्टी ऑलमोस्ट हमें 70-80 पॉइंट्स नीचे ट्रेड होता हुआ दिखाई देता है, और बैंक निफ्टी को हम ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्लैट ट्रेड होता हुआ देख सकते हैं। सो गाइस, कल भी मार्केट में थोड़ी सेलिंग प्रेशर रह सकता है, तो आपको कोई भी एग्रेसिव लॉन्ग ट्रेड लेने से यहाँ पे अवॉइड करना है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से चार स्टॉक्स हैं जो कल हम यहाँ पे ट्रेड लेना कंसिडर कर सकते हैं। सो गाइस, लिस्ट में जो सबसे पहला स्टॉक है यह है HDFC लाइफ। और इसके बारे में बात करने से पहले अगर हम बात करते हैं आज मार्केट क्यों क्रैश हुआ, तो इसका मेन रीजन था HDFC ट्रायो, यानी HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड और HDFC लाइफ के वजह से आज हमें मार्केट में ये सेल ऑफ देखने को मिलता है। सो HDFC लाइफ यहाँ पे आज ऑलमोस्ट 2.7% नीचे क्लोज हुआ है। और अगर देखा जाए तो ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को यहाँ पे कल रिटेस्ट कर सकता है। सो इन केस अगर इसका जो सपोर्ट है अराउंड 675 के करीब, अगर ये लेवल टूटता है तो आपको एक सेल अपॉर्चुनिटी इसमें दिखाई दे सकती है, और हम इसमें एक सेल ऑर्डर यहाँ पे इंट्राडे में लेना कंसीडर कर सकते हैं। उस केस में हमारा जो टारगेट रहेगा वो होगा 665 का। इन केस अगर ये टारगेट अचीव होता है तो हम 660 का अगला टारगेट यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। इन केस अगर हम बात करते हैं स्टॉप लॉस के बेसिस पे, तो आपको अराउंड 680 से 682 के लेवल्स के बीच अपना एक स्टॉप लॉस कंसीडर करना है। और ये स्टॉप लॉस सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग यहाँ पे स्कैल्प ट्रेडिंग करना कंसीडर करते हैं। तो गाइस, लिस्ट में जो अगला स्टॉक है ये बिलोंग करता है अदानी ग्रुप को। तो यहाँ पे आज अदानी ग्रुप में भी एक ह्यूज सेल ऑफ आने की वजह से मार्केट में थोड़ी बहुत बियरी साइड हमें देखने को मिलता है। सो आज अगर बात करें तो अदानी पोर्ट जैसे स्टॉक में हमें मोर देन 2% का एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है। और क्योंकि स्टॉक पिछले कुछ पीरियड से यहाँ पे बियरिश ट्रेंड पे है, तो कल आपको मार्केट गैप डाउन ओपन होने पे इसमें भी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकती है। उस केस में अगर हम देखते हैं स्टॉक को अराउंड 675 के लेवल के नीचे, तो इसमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी है। और 670 के लेवल के टूटने पे आप अराउंड 660 और 655 तक के लेवल्स यहाँ पे सेल साइड में एज ए टारगेट कंसीडर कर सकते हैं। एज ए स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे अराउंड 1% का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, जिसे हम प्रॉफिट बुक करते वक्त यहाँ पे जरूर ट्रेल करेंगे। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो और इससे आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलता हो, तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें काफी हद तक मोटिवेशन मिलता है और हम अपने जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है उसे यहाँ पे काफी हद तक बढ़ाने का हमारा जो कोशिश है उसे हम यहाँ पे आगे जारी रख पाएंगे। सो गाइस, लिस्ट में जो तीसरा स्टॉक है ये है महिंद्रा ग्रुप की एक NBFC, और ये है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल। तो यहाँ पे स्टॉक में आज हमें मोर देन 3% का एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है, और ये स्टॉक भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को कल यहाँ पे रिटेस्ट कर सकता है। इन केस अगर हम देखते हैं स्टॉक को 156 के नीचे, तो यहाँ पे एक सेल ऑर्डर लिया जा सकता है, और उस केस में हमें अप टू 154 और 153 तक के लेवल्स यहाँ पे एज ए टारगेट यहाँ पे कल दिखाई दे सकता है। एज ए स्टॉप लॉस आपको 2-2.5 रुपीस का एक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है, और स्कैल्प ट्रेडर्स इसमें अराउंड 158 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेलिंग बेसिस पे कंसिडर कर सकते हैं। इन केस अगर हम देखते हैं लास्ट स्टॉक को, तो यह है L&T फाइनेंस होल्डिंग। तो यहाँ पे भी स्टॉक पिछले कुछ पीरियड से कंसोलिडेट होने के बाद आज हमें इस स्टॉक में एक प्रॉपर सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखाई देता है। इन केस
अगर हम कल स्टॉक को फिर से 90 के लेवल्स के नीचे देखते हैं तो इसमें एक सेल ऑर्डर लिया जा सकता है और उस केस में स्कैल्पर्स इसमें अराउंड 88 और 87 तक के लेवल्स एज ए टारगेट कंसीडर कर सकते हैं। एज ए स्टॉप लॉस आपको 1 to 2 rupees का एक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है। वो आपके टाइम फ्रेम पे डिपेंड करेगा कि आप कितने मिनट का जो कैंडल है उसके बेसिस पे अपना ट्रेड लेते हैं। इन केस अगर हम देखते हैं निफ्टी के लेवल्स तो यहाँ पे हमें वीकली एक्सपायरी के बेसिस पे अराउंड 15,800 के लेवल्स पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिलता है और हम हायर लेवल्स पे यहाँ पे पुट को अनवाइंड होता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पे लोअर लेवल्स पे अभी भी थोड़ी बहुत पुट राइटिंग है तो हमें यहाँ पे 15,600 से लेके 15,700 के बीच थोड़ी बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन निफ्टी में दिखाई दे सकता है। इन केस अगर हम देखते हैं डेली कैंडल के बेसिस पे तो यहाँ पे अभी भी 15,640 हमारे लिए एक क्रूशियल सपोर्ट है क्योंकि इस लेवल से निफ्टी में हमें यहाँ पे एक कंसोलिडेशन और शॉर्ट कवरिंग पिछले दो बार यहाँ पे देखने को मिल चुका है। सो गाइस अगर कल हम 15,640 को यहाँ पे सस्टेन करते हैं तो आपको कोई भी एग्रेसिव सेल ऑर्डर यहाँ पे प्लेस करने से अवॉइड करना है और उस केस में हम प्राइस एक्शन को यहाँ पे सेटल होने का वेट कर सकते हैं क्योंकि उस लेवल से यहाँ पे मार्केट में हो सकता है कि थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन हमें देखने को मिले और उस केस में यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग हमें यहाँ पे दिखाई दे सकती है। इन केस अगर हम देखते हैं बैंक निफ्टी को तो यहाँ पे एक ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद अभी हमारे लिए जो अगला सपोर्ट है वो है 35,000 के लेवल क्योंकि इस लेवल पे अभी भी हम एक ह्यूज पुट राइटिंग अभी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। इन केस अगर कोई भी प्रॉफिट बुकिंग आता है तो हम यहाँ पे 35,000 का एक पुट यहाँ पे इन द मनी बाय करेंगे कल इंट्राडे में और आपको उस केस में थोड़ी बहुत प्रॉफिट होने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं। इन केस अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो आपको यहाँ पे इस ट्रेड को लेने से अवॉइड करना है और उस केस में हम यहाँ पे प्राइस एक्शन को सेटल होने का जरूर यहाँ पे वेट करेंगे। इन केस अगर देखते हैं हम यहाँ पे डेली कैंडल के बेसिस पे तो अभी भी 35,000 का लेवल हमारे लिए एक क्रूशियल सपोर्ट है जो कि अगर कल हम ओपनिंग के वक्त तोड़ते हैं तो अगला सपोर्ट हमें यहाँ पे 34,850 के लेवल्स पे यहाँ पे दिखाई दे सकता है क्योंकि लास्ट टाइम हमने इस लेवल से यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग को देखा था तो अभी ये लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम कर सकता है। सो गाइस कल भी हम अपना जो लाइव स्ट्रीम है वो आप के लिए जरूर ऑन रखेंगे। आज यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट काम की वजह से हमारा जो लाइव स्ट्रीम था वो हमने नहीं कर पाए तो कल ये जरूर रहेगा तो आप उसे ज्वाइन करना जरूर कंसीडर कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर टेलीग्राम चैनल अभी तक विजिट नहीं किया है तो उसे आपको जरूर ज्वाइन करना है क्योंकि वहां पे मार्केट ओपन होने से पहले ऐसे कुछ क्रूशियल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है जो कि आपको यहाँ पे प्रीमियम मेंबरशिप लेने के बाद ही कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। तो गाइस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।